इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम इंजीनियरिंग फिजिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हमने यूनिट सेकंड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये यूनिट बहुत हार्ड है, उसी को हम सरल बनाने के लिए इसमें कुछ जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स या जो लॉज हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, उनको पहले हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, देन हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ। जो आप मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़ेंगे चार, उसमें फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ को ही डिस्क्राइब करती है, तो उससे पहले हम गॉसेस लॉ क्या है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गॉसेस लॉ है, उसके लिए हम लिखेंगे, एक मिनट हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो लिखेंगे गॉसेस लॉ रिलेट्स द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस कॉल्ड गॉसियन सरफेस विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाई इट फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि गॉसेस लॉ है वो रिलेट करता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स से किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, और उस क्लोज्ड सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड है उसको गॉसेस लॉ बताता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इट मे बी स्टेट्स दैट इट मे बी स्टेट्स दैट क्या स्टेट करता है द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज वन अपॉन एप्साइलन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस कॉमा दैट इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इक्वल्स टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू, यानी कि कितना चार्ज। तो ये जो लॉ है ये क्या कहता है वो यहाँ पर लिखा गया है, और फिर उसको मैथमेटिकली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक बार समझ लेते हैं, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी कि वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स है क्या टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई, या फिर हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक इंडक्शन, किसके वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स है टोटल चार्ज
एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, यानी कि उस पर्टिकुलर सरफेस में कितना टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स वो इक्वल है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ये गॉसेज लॉ कहता है। ठीक है, आई होप गॉसेज लॉ क्या है, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में और देख लेते हैं। तो आगे हेडिंग लिखेंगे हम गॉसेज लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, गॉसेज लॉ इन डिफरेंशियल डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में देखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या इसका मैथमेटिकली फॉर्म आता है, मान लेते हैं लेट रो बी, यानी कि रो बी क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज की वॉल्यूम डेंसिटी हमने रो वी मान ली है, देन चार्ज क्यू। अब चार्ज क्यू क्या होगा, इज गिवन एज ये गिवन बाय क्यू इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम डीबी। ठीक है, दैट्स द इक्वेशन फर्स्ट। अब द गॉसेस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म टेकन द फॉर्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से इंडिकेट करते हैं, इक्वल्स टू हमने पीछे अभी लिखा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ε0 सबमिशन ऑफ क्यू, टोटल क्यू जो चार्ज है ना, तो यहाँ पर चार्ज कितना है वो क्यू है, तो हम इसको डायरेक्टली इस रिप्लेस कर देंगे सबमिशन ऑफ क्यू को दिस वैल्यू से, देन वी गेट 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी इंटू डी वी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो न्यू या रो वी अपॉन ε0 इंटू डी वी, ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब आप देख रहे होंगे एक साइड इक्वल टू के सरफेस इंटीग्रल है, एक साइड इक्वल टू के वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो अब यहाँ पर एक थ्योरम का यूज होगा, डाइवर्जेंस थ्योरम। इससे पहले हम इसी सीरीज में एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम हमने वहाँ पर नहीं पढ़ा है, बस डाइवर्जेंस थ्योरम हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे वहाँ पर स्टोक्स थ्योरम में क्या था, एक फॉर्म की इंटीग्रल को दूसरी फॉर्म के इंटीग्रल में चेंज करते थे, वैसे ही आपका यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज होता है, वन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल कन्वर्ट इंटू द अनदर फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल, वो क्या होती है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम ये क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर का अगर हम ले लें उसको चेंज कर देती है वॉल्यूम इंटीग्रल में, सॉरी ये हम एनक्लोज नहीं बनाए, वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, और वो उसका हो जाता है डाइवर्जेंस इसका जो वेक्टर हमने लिया था, और ये डी वी आ जाए। तो यहीं पर हम क्या करें, इस सरफेस इंटीग्रल को चेंज कर लें वॉल्यूम इंटीग्रल में, उससे क्या होगा कि दोनों साइड जब वॉल्यूम इंटीग्रल रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा अब क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस थ्योरम जो आपका सरफेस इंटीग्रल था क्लोज्ड वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो वॉल्यूम इंटीग्रल, और वहां पर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इंटू डी वी। ठीक है, इक्वल्स टू अदर साइड वॉल्यूम इंटीग्रल, फिर था आपका रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू
dv, ठीक है। अब आप दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि खत्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेम इंटीग्रल हो रहा है, तो आप उसको हटा देंगे, देन यू गेट क्या मिलेगा यहाँ से आपको, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल्स टू रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डाइवर्जेंस का मीन्स होता है डॉट प्रोडक्ट, तो डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो वी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्म आ गई आपकी डिफरेंशियल फॉर्म, हम इसको कह सकते हैं। और अगर आप इसको और दूसरी टर्म में लिखना चाहें तो यू कैन ऑल्सो राइट हियर डेल्टा डॉट एप्सिलॉन नॉट को हम अगर इधर ले आते हैं इनटू ई इक्वल्स टू यहाँ पर आपको बचेगा रो, और हमें पता है वी नो दैट क्या, कि जो डी इक्वल्स टू होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, एक ये रिलेशन होता है डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ऑफ ई, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, देन वी गेट डाइवर्जेंस ऑफ डी, ठीक है, इक्वल्स टू रो वी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इक्वल्स टू रो वी। तो ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है गॉसेस लॉ की, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गॉसेस लॉ क्या है और इसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, क्योंकि जब आप मेन टॉपिक पढ़ेंगे और मैक्सवेल की इक्वेशंस आप लोग वहां पर पढ़ेंगे तो मैक्सवेल की इक्वेशंस की भी दो फॉर्म होंगी, एक डिफरेंशियल फॉर्म और एक इंटीग्रल फॉर्म। तो ये मैक्सवेल की आप चार इक्वेशंस पढ़ेंगे, उन चारों का डिफरेंशियल फॉर्म और उन चारों का ही इंटीग्रल फॉर्म आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उससे पहले मैंने आपको गॉसेज लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल की इक्वेशंस में यूज होता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो चलिए, लेक्चर को एंजॉय करने के लिए आपका थैंक यू, और लेक्चर आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट इंजीनियरिंग फिजिक्स इस बार टारगेट 70 out of 70 रहेगा, यानी कि हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, और सभी टॉपिक्स को ऐसा नहीं है कि बस कवर करना है, सभी टॉपिक्स के अंदर तक हमको जाना है जिससे कि हमें सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसीलिए अदरवाइज मैं अब तक 3 से 4 जो टॉपिक मैंने कराए हैं फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, वो कराने की जरूरत नहीं थी, मैं तो डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करा देता और अब तक हमारी यूनिट के हाफ जो टॉपिक हैं वो ख़त्म भी हो जाते। लेकिन इस बार थोड़ा सा हटके हमने सोचा है और उसी वजह से आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए, इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए और जुड़े रहिए इंजीनियर्स गेटवे से। जय हिंद, जय भारत।